हेलो गाइस, आई एम विशाल। वेलकम टू बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज बंडल कंडक्टर। सो गाइस, अगर मैं बेसिक्स बताऊं, अगर मेरे को थ्री फेज की जो वायर है, फॉर एग्जांपल गाइस, जो हमारे घर होते हैं, हमारे घर में के पास गाइस गवर्नमेंट पोल्स लगाती है और हमको जो सप्लाई देती है गवर्नमेंट, इन पोल्स पर देती है वो थ्री फेज की सप्लाई, आर वाई बी। तो गाइस, पोल्स के थ्रू जो है हमारी सप्लाई गवर्नमेंट जो है ट्रांसमिट करती है, और इस पोल से कोई एक फेज और एक न्यूट्रल जो है हमें मिलता है, जिसकी वजह से जो हमारे घर की जो लाइट है वो वर्क करती है। मीन जो हमारा घर का लोड है वो चलता है इस थ्री फेज की लाइन से। तो ये तो हो गई हमारी कि हमारी 220 की जो लाइन है वो आ रही है हमारे घर में, या 440 वोल्ट की जो लाइन है वो हमारे घर में आ रही है थ्री फेज की। ये तो नॉर्मल कंडीशन होगी। बट गाइस, जब हमें हाई पावर जो ट्रांसमिट करनी होती है, हाई एनर्जी, हाई वोल्टेज, हाई करंट जो हमें ट्रांसमिट करना होता है, तो आपने कभी ऐसे टावर्स को नोटिस किया होगा हाईवे पे, या आप कभी रूरल एरिया में गए हों, जो आपके खेत होते हैं उसमें भी जो है ऐसे टावर लगे हुए होते हैं। तो गाइस, जो ऐसे टावर पे जो आपकी लाइन ट्रांसमिट की जाती है वो थ्री वायर्स के थ्रू ही की जाती है। फॉर एग्जांपल गाइस, अगर मेरे को थ्री फेज की सप्लाई ट्रांसमिट करनी है तो आर वाई बी की फॉर्म में जो है आपकी ट्रांसमिट हो रही होती है लाइन। बट गाइस, अगर ये जो ट्रांसमिशन जो आपकी लाइन है, ये आपकी 11 केवी की भी हो सकती है, 33 केवी की भी हो सकती है। अब जो हमारी ये जो सिंगल एक वायर है, अगर मैं इसको सिंगल एक जो वायर एक फेज है, मान लीजिए आपका आर फेज है, अगर मैं इस वायर को तीन चार फेज के थ्रू भेजूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने फोर वायर लिए और इस फोर वायर को ऐसे कुछ करके कनेक्ट कर दिया, और इसको मैं अगर आर फेज बोलूँ, और इसको भी मैं अगर चार वायर में भेजूँ वाई फेज को, ये मैंने वाई फेज लिया, इसको भी मैंने चार वायर के थ्रू भेजा, और इसको ये मैंने बी फेज लिया, इसको भी मैंने ऐसे कनेक्ट करके, इसको भी मैंने चार वायर के थ्रू भेजा। अब ये जो लाइन है, अभी जो सिंगल वायर के थ्रू ट्रांसमिट हो रही थी, अब ये हो रही है आपकी कि जो हो तो तीन वायर में रही है, मीन्स थ्री फेजेज आ रहे हैं, बट जो है इसके पास सब कंडक्टर्स आ गए। तो इस बंडल कंडक्टर्स क्या होते हैं? इट इज़ अ कंडक्टर मेड अप ऑफ टू और मोर सब कंडक्टर एंड यूज फॉर अ सिंगल फेज। फॉर एग्जाम्पल गाइस, ये जो आपका आर फेज था, अभी सिंगल वायर थी, अब मैंने इसको चार वायर के थ्रू भेजा, और वो भी एक ही फेज कंसिडर करके, आर फेज कंसिडर करके। तो इस टाइप की जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिट की जाती है टावर्स पर, उसे कहते हैं गाइस हम बंडल कंडक्टर। अब जो आपके ये कंडक्टर्स हैं गाइस, इसको ऐसे करने का क्या फ़ायदा है? मीन्स जो हमारी सिंगल लाइन से जो हमारी ट्रांसमिट हो रही थी, अब हमने उसको सब कंडक्टर्स में डिवाइड करके सेंड कर रहे हैं, तो इसका क्या बेनिफिट है, किस वजह से इसको हम जो है ऐसा भेज रहे हैं? तो इसका भी जो है इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ये सेकंड रीज़न है कि जो हमारी ट्रांसमिट हो रही है हमारी सिंगल फेज की वायर, ये चार वायर्स के थ्रू, चार पाँच छः जितने भी हैं आप जो है वायर्स को यूज़ कर सकते हैं इनको गाइस। ये जो है आपका जो मैंने जो प्लेट लगाई है, इसे कहते हैं गाइस स्पेसर। स्पेसर गाइस, आपके डिफरेंट जो है आपके डिफरेंट टाइप्स के जो आपके स्पेसर अवेलेबल हैं, इनका क्या यूज़ होता है गाइस? जो स्पेसर क्या करते हैं गाइस, ये जो वायर्स हैं इसको क्या करते हैं, वो एक जो पर्टिकुलर डिस्टेंस में इसको मेंटेन करके रखते हैं, और जो बने हुए होते हैं गाइस, ये मेटल के होते हैं, मेटल के बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस, ये मैंने चार वायर ली, अब क्या होगा कि अगर हवा आएगी या कोई भी एयर की कंडीशन आएगी या कोई भी हमारी अनवांटेड कंडीशन में क्या हो सकता है, ये जो वायर हैं आपस में टच हो सकती हैं। तो इनको मेंटेन करने के लिए, इनके बीच का डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, हम स्पेसर्स यूज़ करते हैं जो कि मेटल के बने हुए होते हैं, और डिफरेंट शेप के जो है आपके अवेलेबल होते हैं आपके स्पेसर्स। अब गाइस, इतना भी हम समझ गए कि हमारी फोर वायर की जो हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो ट्रांसमिट हो गई, स्पेसर्स का भी हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब गाइस, बात आती है कि हमारे जो ऐसे करने का मीन, जो हमारी सिंगल वायर में जो हमारी ट्रांसमिट हो रही थी, अब हम उसे फोर वायर में भेज रहे हैं, तो उसका क्या बेनिफिट है? सो इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। ये क्या करता है गाइस, ये रिड्यूस करता है हमारा कोरोना इफेक्ट को रिड्यूस करता है। अब कोरोना इफेक्ट क्या होता है गाइस, जब भी हमारी ट्रांसमिशन लाइन में जो हाई पावर या हाई वोल्टेज जो हमारी ट्रांसमिट की जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है गाइस, कभी आपने नोटिस किया होगा, तो जो वायर है इनके ऊपर जो है आपको वायलेट कलर की जो है एक स्पार्किंग दिखेगी। तो वॉयलेट कलर की स्पार्किंग क्या होती है गाइस, कि जो हमारी एयर है, जब हम हाई इस वायर में अगर आपका हाई करंट फ्लो कर रहा है, तो वायर का करंट फ्लो होने की वजह से जो इसके आसपास की एयर है गाइस, वो आयोनाइज हो जाती है, जिसकी वजह से जो है स्पार्किंग आती है। अब मैं सिंगल वायर में इतना सारा करंट अगर मैं सेंड करूँ, तो जो कोरोना इफेक्ट है वो ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू अगर मैं इसको सब कंडक्टर में ट्रांसफर करूँ। तो इसलिए जो है इसका कोरोना इफेक्ट भी रिड्यूस करने के लिए काम आते हैं हमारे बंडल कंडक्टर। सेकंड गाइस, इंडक्टेंस कैसे रिड्यूस होता है गाइस, अब हमें पता है किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन यह है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो इसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इसका अगर मैं सेकंड वायर बात करूँ, तो इसके पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। थ्री फेज में अगर तीनों वायर के पास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब ये क्या कर रही है गाइस, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक करेगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक करेगी। अगर मैं सिंगल वायर के थ्रू भेजूंगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें हाई पावर जाएगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ज़्यादा जो है प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से क्या है कि इंडक्टेंस का जो है वो बढ़ जाएगा। तो अगर मैं इसको सब कंडक्टर्स में भेज दूं, तो इंडक्टेंस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो करंट है वो ज़्यादा फ्लो होगा। और करंट कैसे ज़्यादा फ्लो होगा इंडक्टेंस कम होने की वजह से? तो क्योंकि हमें पता है जेड जो हमारा जो इंपेडेंस होता है, जेड इक्वल्स टू आर प्लस जे एक्स होता है। अगर हमारा एक्स कम हो जाएगा तो इंपेडेंस कम हो जाएगा, तो वी इज इक्वल्स टू आई जेड, तो हमारा आई है वी अपॉन जेड। अगर ये कम होगा तो आपका करंट बढ़ जाएगा। तो गाइस, ये है हमारा सेकंड रीज़न। और जो अगर मैं थर्ड रीज़न की बात करूँ, तो गाइस ये है हमारा स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट भी क्या होता है कि हमारे जो बंडल कंडक्टर्स उसको कम करते हैं। स्किन इफेक्ट क्या होता है गाइस, स्किन इफेक्ट में क्या होता है कि जो हमारा करंट है गाइस, जब भी हम किसी वायर्स के तो करंट फ्लो कराते हैं, तो हमारा सरफेस पे जो है वो करंट फ्लो होता है। अब जो हमारे सरफेस पे बॉडी पे जो करंट फ्लो हो रहा है गाइस, इसी को कहते हैं स्किन इफेक्ट।
अब जो स्किन इफेक्ट है गाइज, इसको भी रिड्यूस करता है हमारा बंडल कंडक्टर। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपको वीडियो से अगर नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और गाइज आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है या आप किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू।